नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडला। बिहार में चुनाव का माहौल गर्म है, ऐसे में नेताओं के बीच लगातार वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं अब लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनको लेकर लोग अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। मुमकिन है कि ये भी चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा एक एजेंडा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस तरह की वायरल हो रही खबरों पर यकीन करने से पहले इनका सच जानने की कोशिश की जाए। तो चलिए देखते हैं वायरल हो रही इन तस्वीरों का सच। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच जहां एक तरफ नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ तरह तरह के वीडियोज और फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इस तस्वीर में तेज प्रताप किसी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में एक लड़की के साथ सर्टिफिकेट पकड़े दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल हो रही फोटो के साथ कैप्शन में लिखा हुआ है, बहुत शर्मनाक, मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है, तेज प्रताप यादव 10वीं फेल ने बिहार के तक्षशिला विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर तेज प्रताप यादव को बधाई। ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। जय हो। इस पोस्ट के जरिए तेज पर तंज किया जा रहा है कि 10वीं फेल तेज प्रताप को डॉक्टरेट की डिग्री आखिर मिली तो मिली कैसे? ये जरूर पैसे या पावर का कमाल है। हालांकि जब इस तस्वीर के बारे में गूगल और कॉलेज की वेबसाइट के जरिए पता लगाया गया तो सामने आया कि ये तस्वीर 2017 की है, जब तेज प्रताप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे और पटना के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बतौर गेस्ट पहुंचे थे। इस दौरान छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और मेरिट बांटे थे। बस उस समय की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो हमारी रिसर्च में ये वायरल हो रही तस्वीर पूरी तरह से भ्रामक साबित हुई है।